हेलो, सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल से आपके लिए नई क्लास लेके, जैसे कि आपको आइडिया होगा कि हमने एसएससी सीजीएल के पेपर डिस्कस कर रहे हैं, चाहे उसमें जनरल साइंस हो चाहे जनरल स्टडी हो। तो जितने भी प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं उसको यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। ये हम एक प्रकार की आपके लिए नई सीरीज लेके आए हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पेपर किस हिसाब से रहते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़कर, यूसी लाइव चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें और आने वाले एग्जामों को क्रैक करें। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कहा गया है कि जो हमारे पास हाउ मैनी ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ द कंस जो हमारे पास तारामंडल कॉल्ड इज अ ग्रेट ग्रेट बियर मेड अप। तो जो ग्रेट बियर बनता है वो कितने तारों के समूह के साथ मिलकर बनता है। तो ये इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सेवन। ऑप्शन नंबर सेवन जो है इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा गया है? कहा गया है कि जो पैगंबर मोहम्मद ने किस सदी में इस्लाम धर्म की स्थापना करी थी। तो इन्होंने जो इस्लाम धर्म की स्थापना करी थी वो उन्होंने कब करी थी, तो किस शताब्दी में करी थी। तो सातवीं शताब्दी थी उसमें करी। जो हमारे पास पैगंबर मोहम्मद जी थे, इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म हुआ था 570 में। कब हुआ था? 570 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? अरब के पास एक जगह है, अरब जो प्रायद्वीप है वहाँ उसके पास एक जगह है जिसका नाम है मक्का शहर। ठीक है जी, मक्का शहर में इनका जन्म हुआ था। कौन सी? मक्का। ठीक है, जो मक्का शहर में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने क्या किया था कि 622 ईसा में इन्होंने क्या करा, 622 ईसा में जो पैगंबर मोहम्मद जी थे, उन्होंने उत्प्रेरणा से छुटकारा पाने के लिए एक उड़ारी भरी थी मक्का से मदीना। कहाँ आगे थे ये? मक्का से मदीना ये आगे थे। और कब आए थे? 1622 में इन्होंने मक्का से मदीना ये आगे थे। और इसमें क्या, जो इस्लाम धर्म के जो पवित्र हमारे पास स्थल है वो कौन कौन से हैं? तो पहले पे है हमारे पास मक्का, जो हमारे पास मक्का में काबा। ठीक है जी, मक्का में काबा, मक्का में काबा। तो ये क्या है जी, मक्का में काबा क्या है? तो ये क्या है जी, मस्जिद उल रहम। इसके अंदर क्या है? मस्जिद उल रहम के अंदर है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास, जो हमारे पास दीना, दीना में जो दीना है वहाँ पे क्या है? दीना में है हमारे पास अल मस्जिद अन नवाबी। अल मस्जिद अन नवाबी कहाँ के अंदर है? दीना के अंदर है। तीसरा तीसरा जो हमारे पास है वो जेरूसलम। ठीक है, वहाँ पे क्या है? अल अक्सा मस्जिद। क्या है? अल अक्सा, अल अक्सा मस्जिद। ठीक है जी, वो है। नेक्स्ट जो है हमारे पास फोर्थ, वो है हमारे पास द्रिक्स। ठीक है जी, ये है हमारे पास। और इसमें क्या है जी, ये है उमद मस्जिद, उमय्यद मस्जिद। ठीक है जी, इम्पोर्टेंट है ये, इस्लाम धर्म की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छे जो स्थल हैं, जो पवित्र स्थल है, वो ये चार है जो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमारे पास एक मिड मिड जो हमारे पास मेगुडी मंदिर आपको वर्तमान में किस राज्य में मिलेगा? तो वो कहाँ पे है जी? कर्नाटक। जो हमारे पास ये एकमात्र मंदिर है, कौन सा? ये वाला, जो कहाँ पे बनाया गया है, जिसको दिनांकित हमारे पास स्मारक है। और ये हमारे पास जो मंदिर है ये कर्नाटका में है। और इसको जो है जी, ये एक छोटी सी पहाड़ी पे बनाया गया है। और कहाँ पे? जो हमारे पास एहोल है। ठीक है जी, एहोल है, वहाँ पे एक पहाड़ी पे बनाया गया है। और कब बनाया गया है? 634 ईसा में इसको बनाया गया। ठीक है, अब क्या है, ये जो एहोल जो हमारे पास शिला लेख है, जो हमारे पास यहाँ पे शिला लेख है, वहाँ पे क्या लिखा गया है? वहाँ पे हमारे पास 29 जो संस्कृत जो हमारे पास शिला लेख है, जिसमें आह्योल, जिसे आह्योल परिस्थिति के नाम से भी जाना जाता है, जो हमारे पास ये जो
मेघगुड़ी मंदिर है, ये जैनी जैन धर्म का मंदिर है जिसमें कन्नड़ लिपि में 29 पंक्तियाँ संस्कृत शिलालेख में लिखी गई हैं, कि इसमें 29 पंक्तियाँ लिखी गई हैं, ठीक है, 29 पंक्तियाँ लिखी गई हैं और संस्कृत शिलालेख है ये, और कन्नड़ लिपि में लिखा गया है। जो ये है ये किस जो एक जैन कवि हुआ करते थे जिनका नाम हमारे पास क्या हुआ करता था, उनका नाम था रवि रवि कीर्ति, क्या था, रवि कीर्ति। उनकी एक जो हमारे पास कवि थे रवि कीर्ति, उनकी एक कविता थी, और ये जो राजा थे उस टाइम वहाँ के जो राजा थे जिनका नाम था, जो हमारे पास राजा का नाम था, राजा राजा पुल पुलकेशिन, पुल केसिन द्वितीय, जो पुल केसिन द्वितीय थे उनके शासनकाल में उनके दरबार में ये हुआ करते थे, ठीक है जी। जो हमारे पास इम्पोर्टेंट और मंदिर है, जो तमिलनाडु में जो इम्पोर्टेंट मंदिर है वो कौन कौन से हैं, नोट डाउन कर लेना। तो तमिलनाडु में हमारे पास बृहद बृहदेश्वर बदहेश्वर बृहदेश्वर मंदिर है, दूसरा है ए इरावती इरावती बतेश्वर मंदिर, ये तमिलनाडु में है। और कौन सा है, गगई, जो हमारे पास गगई कोडा, फिर है चोल चोलपुरम, जो चोलपुरम है, चोलपुरम बहेश्वर बहेश्वर मंदिर है, और महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह है, और महाबलीपुरम में है क्या है, स्मारकों का समूह है। अब उड़ीसा में हमारे पास कौन कौन से मंदिर है, उड़ीसा में भी मैं आपको बता देता हूँ, उदयगिरी उदयगिरी और खंडागिरी खड़ागिरी, और हमारे पास और कौन सा है, दृग दृगवाड़ा दृंगवाड़ा, ठीक है जी, बाड़ी, और है हमारे पास बारा बारा बती किला, ठीक है। ये सारे के सारे जो मंदिर है ये उड़ीसा में है। अब जो हमारे पास केरला में है वो कौन कौन से मंदिर हैं, तो केरला में हमारे पास अचूथेंग किला है, कार्तिकेय मंदिर है, ठीक है, और हमारे पास एक महल है जिसका नाम है उज्जर उज्जर महल, ठीक है। ये जो महत्वपूर्ण जो हमारे पास धरोहर है, केरला केरला कर्नाटक उड़ीसा में, मैंने आपको सभी बता दी, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा जो हमारे पास लिथोस्फेयर मूव ओवर द एटमोस्फेयर, कि लिथोस्फेयर जो है हमारे पास लिथोस्फेयर मूव टू ओवर द एटमोस्फेयर, तो वो होता है हमारे पास जो प्लेट्स टेक्टोनिक्स होती है उसकी वजह से ये होती है कि लिथोस्फेयर जो है वो ऊपर की गति करता है, ठीक है। तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं, जैसे हमारे पास भूकंप आते हैं जब हमारे पास जो प्लेट्स है वो क्या करती हैं, डिस्टर्ब होती हैं, ठीक है, खिसकती हैं, तो भूकंप आता है जिसकी वजह से ये वाली प्रोसेस होती है। लिथोस्फेयर वो वाला स्फेयर होता है जहाँ पर हम चलते हैं, हम रहते हैं, उसको बोलते हैं लिथोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कि जो हमारे पास घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है, तो जी ये किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये है राजस्थान, ठीक है जी, राजस्थान का ये लोक नृत्य है। और राजस्थान में अन्य भी लोक नृत्य हैं, वो कौन कौन से हैं, पहला है कालबेलिया कालबेलिया, दूसरा है हमारे पास भवाई, इम्पोर्टेंट है, कोई ना कोई लोक नृत्य पेपर में आता है तो आपको पता होनी चाहिए, फिर है हमारे पास कच्ची, फिर जो है हमारे पास कच्ची घोड़ी, पूरा नाम है कच्ची घोड़ी, जो नृत्य है वो कहाँ पे किया जाता है, राजस्थान में, एंड जो है हमारे पास चारी, ये है हमारे पास राजस्थान के। जो हमारे पास बिहार के जो नृत्य है लोक नृत्य, सबसे पहले है हमारे पास विदेशिया,
विदेशिया है, फिर है हमारे पास जाट, जटिन, जार जटिन, फिर है हमारे पास धजिया, धजिया, फिर है हमारे पास रुगरी, रुगरी, ठीक है। ये सारे के सारे जो है ये कहाँ पे जो लोक नृत्य है वो कहाँ के है, बिहार के है, झारखंड के। हमारे पास जो नृत्य है वो है पाई का, फिर है हमारे पास छऊ, फिर है हमारे पास थाल, ये है हमारे पास झारखंड के। और त्रिपुरा के हैं हमारे पास दरिया, दरिया नृत्य, फिर है लैब्रा, लैब्रा कुमानी, फिर है हमारे पास भोजगिरी, भोजगिरी, फिर है हमारे पास बिजू। ये सारे के सारे जो नृत्य हैं ये हर स्टेट के लोक नृत्य हैं। तो मैंने आपको सब बता दिए कि कौन सा नृत्य कहाँ पे किया जाता है, और इम्पोर्टेंट है, हर पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है निम्नलिखित में से एक बुक लिखी गई है जिस बुक का नाम है द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी, द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी, तो वो किसके द्वारा लिखी गई है, उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक है जी श्री कृष्ण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग बनाया था, और उस विभाग का नाम क्या था? दीवान ए अमीर कोही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। ये जो दीवान ए कोही जो था उसकी स्थापना जो की गई थी कृषि विभाग में की गई थी, और ये किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। तो इसमें क्या किया जाता था, इस विभाग की स्थापना करने का क्या कारण था? कि मवेशियों के लिए, कृषि के लिए, बीजों के लिए ऋण दिया जाता था, परंतु तो इसका कोई लाभ नहीं दिया गया, इसका कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है जी। और जो हमारे पास मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने क्या किया कि जो फरवरी 1325 में इन्होंने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करा था, 1325 में जो हमारे पास ये खजीर खान जो थे ये कौन थे? खजीर खान जो थे तैमूर के आक्रमण के बाद इन्होंने तुगलक राजवंश के पतन के तुरंत बाद क्या किया, दिल्ली सल्तनत का शासक राजवंश बना, और इन्होंने किसकी स्थापना करी? जो हमारे पास सैयद राजवंश था उसकी सहायता करी, जब भारत पे तमोलिंग ने आक्रमण करा था, जिसके बाद से जो तुगलक साम्राज्य था उसका अंत हो गया, और तुरंत बाद उन्होंने अपने राज्य की स्थापना कर दी, और उस राजवंश का क्या नाम था? सैयद, सैयद जो हमारे पास वंश था उसके संस्थापक कौन थे? उसके संस्थापक थे ये खरीज। और जो हमारे पास ये अलाउद्दीन खिलजी थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या किया गया, स्थापना की गई थी, ये अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई था। ये संस्थापक थे किसके? खिलजी वंश के, ठीक है जी। और इनका जो शासनकाल था वो इनका इन्होंने जो शासन किया था वो इन्होंने स्थापना कब करी थी? 1290 से लेकर 1230-20 तक ये रहे थे, खिलजी वंश रहा था। और ये पहले सुल्तान ने थे खिलजी वंश के। जो हमारे पास तुंगरील बेग थे, तुरिंग जो ये जो थे इन्होंने क्या किया था, ये हमारे पास जो सेल सेल जो हमारे पास सेल्जूक जो साम्राज्य था उसके ये संस्थापक थे। और 1163 सॉरी 1063 तक तब तक ये शासन रहे, महान शासक रहे, और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने किस वंश की स्थापना करी थी? उसका नाम था सेल्जुक, ठीक है। साम्राज्य जो था उसकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि भूमि के एक प्राकृतिक भूजलीय इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है और उसका निकास करती है धाराओं की एक प्रणाली द्वारा एक सामान्य बिंदु के माध्यम से, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं, जो हमारे पास वोटर शेड होता है उसे कहा जाता है, ठीक है जी। कि पानी रिसता रहता है और वहां से क्या पानी रिस रिस के कहीं ना कहीं निकलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वोटर शेड कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों में से किसे कार्यवाहिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था फरवरी 2021 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के कर्मचारी में। तो वो नासा के कर्मचारी जो थे जिनको हमारे पास एज अ साइंटिस्ट अपॉइंट किया गया था चीफ स्टाफ यूएसए जो स्पेस एजेंसी है उसमें नासा में, तो उनका क्या नाम था? उनका नाम था भव्य लाल। ठीक है जी, भव्य लाल ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल योजित किया गया था? तो वो कहाँ किया गया था? जी ग्रीस में खेला गया था। तो जो हमारे पास ये पहला जो ओलंपिक खेला गया था वो 776 ईसा पूर्व खेला गया था। ठीक है जी, 776 ईसा पूर्व ये खेला गया था। और ये यहाँ पे जो ग्रीसम ग्रीसम में ओलंपिया एक जगह थी, ओलंपिया कौन सी जगह जी? ओलंपिया वहाँ पे ये खेला गया था। ठीक है, दक्षिण दक्षिण ग्रीस में योजित किया गया था। और जो प्राचीन यूनानी जो खेल था वो 393 ईसा तक चले। ठीक है, कब तक चले? 393 ईसा तक चले, और फिर ये बंद कर दिया गया। और 1800 के दशक में इसको फिर शुरू किया गया। 1810 में 1800 के दशक में इसको फिर शुरू किया गया, अंततः ओलंपिक को द्वारा शुरू किया गया। और इसे आधुनिक ओलंपिक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जिसे आधुनिक ओलंपिक के नाम से जाना जाता है। फिर 1990 में जो समर ओलंपिक, जो हमारे पास ग्रीष्म काल के ओलंपिक और जो हमारे पास विंटर ओलंपिक होते हैं वो स्टार्ट किए। और ये जो हमारे पास ओलंपिक होते हैं हर 2 वर्षों के बाद किए जाते हैं, जो समर और विंटर ओलंपिक होते हैं। और जो हमारे पास इसके लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन को, ओलंपिक को चलाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया, और उसका नाम क्या था? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। और उसका गठन कब किया गया? 1894 में इसका गठन किया गया। क्लियर है जी? और इसका जो हेडक्वार्टर है किसका, जो हमारे पास इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल है इसका जो हेडक्वार्टर है जी, इसका गठन किया गया 1894 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड में भी कहाँ पे? लुसाने जो है वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। वो कहाँ पे है जी? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में है, इम्पोर्टेंट है। जो हमारे पास अभी 2022 के जो ओलंपिक हुए, ठीक है, जो विंटर ओलंपिक हुए वो कहाँ पे हुए? चाइना में हुए। ठीक है जी, जो हमारे पास ये जो ग्रीस है इसकी जो कैपिटल है वो क्या थी? एथीन। ठीक है जी, और इसकी जो करेंसी है वो क्या है? यूरो। जो हमारे पास चाइना है इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? बीजिंग। ठीक है जी, बीजिंग है। और इसकी जो हमारे पास करेंसी है वो क्या है? रूबी। और जो हमारे पास स्पेन है इसकी कैपिटल जो है वो है मैड्रिन। और इसकी जो करेंसी है इसकी करेंसी भी क्या है? यूरो। जो हमारे पास यूनाइटेड किंगडम है इसकी जो कैपिटल है वो है लंदन। तो वो कौन सी है? लंदन। कैपिटल क्या है इसकी? लंदन। और यहाँ पे जो इसका जो इसकी जो करेंसी है इसकी यूके की वो क्या है? हमारे पास पाउंड स्टर्लिंग। वो क्या है? करेंसी है किसकी? यूके की। तो राइट डाउन कर लेना, इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको यहाँ पे कैपिटल भी बता दी, किस कंट्री की क्या करेंसी है वो भी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि एक अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों सम्मिलित होते हैं उस अर्थव्यवस्था को किस रूप में जाना जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? मिक्स इकोनॉमी कहा जाता है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो वो है हाजी बाग। जी हाजी बाग जो है, हाजी बाग से एक नदी होकर गुजरती है और उस नदी का नाम है कोनार। ठीक है जी, कोनार नदी जो है वो हजी बाग से होकर गुजरती है। और ये जो हजी बाग जगह है ये कहाँ पे है जी? झारखंड। कहाँ पे है? झारखंड में है। जो झारखंड में फेमस जो स्थल है हमारे पास वो कौन कौन से हैं? तो वो है बरसो, बरसो पानी गुफा,
बरसो पानी गुफा जो है वो कहाँ पे है? झारखंड में है, ठीक है जी। जो हमारे पास दूसरा स्थान है, जो दूसरा है झारखंड में देखने वाली, वो है बुधवा, बुधवा महादेव मंदिर, महादेव, महादेव मंदिर, और एक है इडबा बांध जी। ये तीन अच्छे स्थल है जो पर्यटन के लिए इम्पोर्टेंट है। जो हमारे पास गंगा के किनारे कौन कौन से, ये जितने भी शहर, बाकी जितने भी शहर, वो किसके किनारे है? गंगा के किनारे है, वाराणसी, कानपुर और फाफुआ, ठीक है। तो जो गंगा है वो भारत की सबसे लंबी नदी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। और इसकी जो लंबाई है वो 2500 मतलब इसकी जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि वॉल्यूम वाइज भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है चीना। कौन सी है जी? चीना, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी, पानी की मामले में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चिनाब है। और सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है हमारे पास जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा। और ये गंगा कहाँ से निकलती है? तो ये उत्तराखंड से निकलती है। वहाँ पे दो नदियाँ निकलती हैं, एक भागीरथी है और एक अलकनंदा है। दोनों आपस में मिलती हैं देवप्रयाग में, और उसके बाद उसको गंगा के रूप में जाना जाता है, ठीक है जी। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक है? तो कौन है जी? श्याम प्रसाद जो मुखर्जी थे, वो जो भारतीय जनसंघ था, उनके जो स्थापना, उनके जो जब स्थापना की गई थी, उनके जो मेंबर्स थे उनमें से एक थे। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो हमारे पास दिसंबर 2020 तक संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक भाषाएं कितनी थी? तो कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है जो हमारे पास यूनाइटेड नेशन है, तो कितनी लैंग्वेज है उसकी? 7, ठीक है जी। जो हमारे पास यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन में टोटल कितने बंदे हैं, कितने मेंबर्स हैं? तो 15 जो है इसके मेंबर्स हैं, मतलब इसके सदस्य हैं, ठीक है जी। 15 इसके सदस्य हैं, जिसमें 5 जो हैं वो क्या है? स्थाई है, जो कभी चेंज नहीं होते हैं। और वो कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। 10 जो है वो अस्थाई है, कि मतलब हर 2 साल के बाद वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है जी। ये अस्थाई है। तो अभी जो परमानेंट बंदे हैं वो कौन कौन से हैं? फ्रांस है, ठीक है जी, फ्रांस है, यूके है, हमारे पास रसिया है, चाइना है, और हमारे पास यूएसए है, ठीक है जी। ये हमारे पास 5 जो है इसके परमानेंट मेंबर है। भारत इसमें जो अब इसमें जो परमानेंट मेंबरशिप के लिए कौन कौन से जो कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट करी हैं, किस किस ने अपील की हुई है? तो एक है भारत, हमारा प्यारा भारत, और दूसरा है हमारे पास, दूसरी जो कंट्री है वो है जर्मनी, ठीक है जी, जर्मनी, और तीसरी जो कंट्री है हमारे पास वो है ब्राज़ील, ठीक है जी, ब्राज़ील। तो इन ये जो कंट्री हैं, ये तीनों की तीनों कंट्रियां क्या कर रही हैं? इन्होंने कहा है कि यूनाइटेड नेशन के जो सदस्य हैं, उनकी जो परमानेंट मेंबर्स है, उसकी जो मतलब वो है हमारे पास जो मेंबरशिप है, उसको बढ़ाया जाए, मतलब उनको इंक्रीज किया जाए। तो भारत, जर्मनी और ब्राज़ील जो है इसकी अब परमानेंट मेंबर बनने के लिए अपील कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत के पहले वर्चुअल एकेडमी कार्यक्रम स्पोर्ट्स एकेडमी के शुभ आरंभ की घोषणा की थी? तो उनका उस कंपनी का नाम था आसूस, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से 1712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था तो किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन कासिम। जो मोहम्मद बिन कासिम थे, उनके द्वारा भारत पर 1712 में आक्रमण किया गया था। जो मोहम्मद बिन कासिम थे, ये क्या थे? सेनापति थे, और जो सेनापति थे अरब अरब से आए हुए थे, तो वो ये किसके सेनापति थे? जो हमारे पास वहां पे उम्मद, ठीक है जी, उम्मयद, जो उम्मद खलीफा, खलीफा जो थे उनके क्या थे? ये सेनापति थे, ठीक
ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भारत पर आक्रमण करने के लिए कहा था, और इन्होंने सबसे पहले जो आक्रमण करा था वो कहाँ करा था, सिंध पे करा था, ठीक है जी, सिंध पे करा था। और वहाँ पे जो एक लास्ट हिंदू राजा था जिनका नाम क्या था, दाहिर, ठीक है जी, कौन से राजा थे, दाहिर जो थे उन वो लास्ट अंतिम हिंदू राजा थे, उन पे इन्होंने आक्रमण करा था। और इनका जो युद्ध हुआ था उस युद्ध को क्या बोला जाता है, जो मोहम्मद बिन कासिम और उसके बीच में युद्ध कहाँ पे हुआ था, तो जगह का नाम था अरूरा, अरूर, ठीक है जी, अरूर में इनका युद्ध हुआ था जिसमें दाहिर की मृत्यु हो गई थी। और फिर जो दाहिर की मृत्यु हो गई थी, और इसने मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था कि सभी जो वहाँ की जो औरतें थी उनको पकड़कर वो अरब ले गया था, ठीक है जी। जो हमारे पास ये इसकी स्टोरी है, सबसे पहले जो इसकी थोड़ी लंबी स्टोरी है मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं ये पढ़ाऊंगा। तो इसमें क्या था कि सबसे पहले जब हीरे मोती के व्यापार के लिए श्रीलंका पे अटैक करा था इन्होंने, ठीक है, क्योंकि उन्हें मोतियों का देश भी कहा जाता है श्रीलंका को, तो उस हिसाब से ये एक लंबी स्टोरी है, अच्छी स्टोरी है, ठीक है। और जो मोहम्मद गोरी थे, ठीक है, उन्होंने जो मोहम्मद गोरी थे, तो मोहम्मद गोरी जो थे वो उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है जी, 7 बार उन्होंने भारत पर 17 बार उन्होंने भारत पर आक्रमण करा था। पृथ्वीराज चौहान के साथ भी इनकी युद्ध हुआ था, ठीक है। फिर मोहम्मद गजनवी थे, इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। और मोहम्मद जो हमारे पास कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था, और इसने किसके वंश की स्थापना करी थी, गुलाम वंश की स्थापना करी, ठीक है जी, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा गया है कि एक आर्थिक जो हमारे पास प्रियदर्शी, जहाँ कम विकास और बढ़ती मुद्रास्फीति का एक अजीबोगरीब संयोजन उच्च बेरोजगारी की ओर ले जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन, ठीक है जी। हमारे पास जो हमारे पास स्टैगफ्लेशन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कूलम पर सेकेंड किसके बराबर होता है, तो कूलम पर सेकेंड किसके बराबर होता है जी, एम्पेयर के बराबर। एम्पेयर क्या होते हैं, एसआई यूनिट होते हैं किसके, करंट के। तो हमारे पास करंट होता है चार्ज अपॉन में समय, ठीक है, हमारे पास चार्ज अपॉन में समय होता है, चार्ज के यूनिट होते हैं कूलम, समय के यूनिट होते हैं सेकेंड, इसलिए बोल दिया 1 एम्पेयर क्या होता है, कूलम पर सेकेंड, ठीक है जी। जो ओम होते हैं दैट इज, ये यूनिट होते हैं रेजिस्टेंस के, जो हमारे पास प्रतिरोधक होता है उसके यूनिट होते हैं ओम। जो वोल्ट होते हैं ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर के यूनिट होते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके यूनिट होते हैं। जूल जो होते हैं हमारे पास वर्क के यूनिट होते हैं, एनर्जी के यूनिट होते हैं, जो कार्य के यूनिट होते हैं, जो शक्ति के यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, जूल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहा गया है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, जोड़ने वाला बल, ठीक है जी। जैसे हम बोलते हैं कि जो मरकरी पानी जो है वो किसके साथ चिपक जाता है, गिलास के साथ चिपक जाता है, क्योंकि वो उन दोनों के जो मटेरियल है वो अणु जो होते हैं वो सेम होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसको जोड़ने वाला कहते हैं, ठीक है जी। तो जोड़ने वाला बल कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाला भारतीय उपमहाद्वीप का पहला खिलाड़ी था, तो वो कौन था, मोहम्मद सलीम, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहा गया है हमारे पास जो हमारे पास थूथुल एक एक एकल व्यंग जो हमारे पास एकल डांस होता है, ठीक है, नृत्य होता है, जो किस स्टेट में किस राज्य से संबंधित है, तो वो किस राज्य से संबंधित है जी, केरला से, ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहा गया है कि एक स्थिर प्राणी है जो पृथ्वी और जैविक उत्पत्ति की सबसे बड़ी संरचना के निर्माण के लिए शैवाल जैसे पौधों के साथ अपने संबंध पर निर्मित करता है, तो वो क्या है जी, मूंगा, जो हमारे पास कोरल होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा मास गैस का दूसरा नाम है, तो मास गैस का दूसरा नाम क्या है जी, मीथेन है, ठीक है जी, ये मार्स में मिलती है इसलिए इसे मार्स गैस कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब उम्मीद करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे साथ जुड़कर अपने टेस्टों की आने वाले टेस्टों की तैयारी को कंटिन्यू रखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास 10^15 जो होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है फेमटो। ठीक है जी, फेमटो की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 10^15। ये जो होते हैं सबसे छोटे यूनिट होते हैं किसके? लंबाई के। कि सबसे छोटे यूनिट क्या होते हैं? सबसे छोटे छोटे लंबाई के मानक क्या होता है? सबसे छोटा लंबाई का मानक क्या होता है? छोटा लंबाई का मानक क्या होता है? तो ये होता है फेमटो। ठीक है जी, तो ये जो होता है ये हमारे पास न्यूक्लियस और सबसे आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन का जो हमारे पास होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके क्या उसे क्या कहा जाता है? फेमटो, मतलब 1 फर्मी। ठीक है जी, 1 फर्मी। और 1 फर्मी की वैल्यू कितनी होती है? 10^-15 मीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास कहा गया है कि किस जो हमारे पास क्या क्या बोला गया है इसमें कि ऐसा जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो सॉरी जो इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है? प्रयोग किस व्यक्ति की आंखों के अंदर के दाब को मापने के लाल किया किया जाता है कि आंखों के अंदर कितना प्रेशर है उसको मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, किस ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है? तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टोनोमीटर। इम्पोर्टेंट है कि टोनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो अगर किसी की आंख के प्रेशर को मेजर करना हो तो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट का जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टोनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है हमारे पास कि जो हमारे पास 31 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा तो वो किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे मनाया जाएगा? तो वो कब मनाया जाएगा? जो हमारे पास सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे उनके जन्मदिन पर मनाया जाएगा। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जो हमारे पास सैचुरेटेड जियोग्राफिकल यूनिट विच कैन बी एड ऑफ द वाटर इज बेल एट द सफिशेंट रेट टू स्पोर्टेड ऑफ बेल इज कॉल्ड। बोला गया क्या है कि जो हमारे पास भूवैज्ञानिक इकाई जो एक कुएं को सहारा देने के लिए पर्याप्त दर पर कुएं को पानी दे सकती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? जल भर्त। क्या कहते हैं उसे? जल भर्त। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि एक बुक लिखी गई है और उस बुक का नाम क्या है? उस बुक का नाम है रिपोर्टिंग इंडिया माई 17 ईयर जर्नी एज अ जर्नलिस्ट। कि एक बुक लिखी गई है तो पूछा गया है कि इस बुक के लेखक कौन है? तो उस बुक के लेखक कौन है? वो है प्रेम प्रकाश। ठीक है, और बुक का नाम क्या है? नाम है रिपोर्टिंग इंडिया और माई 17 ईयर्स जर्नी एज अ जर्नलिस्ट। कि मैंने 70 साल व्यतीत कर दिए हैं एज अ जर्नलिस्ट, एज ए न्यूज न्यूज रिपोर्टर। तो उसके बारे में बुक लिखी गई है तो वो किसके उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक है प्रेम प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमा दास एक भारतीय क्या है? धावक है। क्या है जी ये? हिमा दास क्या है? एक भारतीय धावक है। और हिमा दास कहाँ से है? तो कहाँ से है? मणिपुर। कहाँ से? ये मणिपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कहा गया है कि हमारे पास जो चिंकारा एक संगीत वाद्य यंत्र है जो मध्य प्रदेश के राज्य में लोकप्रिय है तो वो क्या है? तो वो है हमारे पास तार बाला। ठीक है, जो हमारे पास स्ट्रिंग होती है, ठीक है, स्ट्रिंगड है तो वो एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो संगीत वाद्य यंत्र है। तो वो इंस्ट्रूमेंट पॉपुलर है कहाँ पे जी? तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश जो राज्य है उसमें वो बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कहा गया है नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष में भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो कब जोड़ा गया था? जो हमारे पास 42वां जो संविधान संशोधन किया गया था 1976 में। ठीक है, 1976 में जब ये संशोधन किया गया था तो जो हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज है तो वो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो उनको लिखा गया था, ऐड किया गया था हमारे संविधान में। वो ये आती है 51 जो हमारे पास आर्टिकल 51 है। ठीक है जी, अनुच्छेद जो 51 है उसके अंडर इनको रखा गया है जो हमारी ड्यूटीज है। और ये जो हमने हमने ड्यूटीज जो हमारे कर्तव्य हैं ये हमने किससे लिए गए, किससे उधार लिए हैं? तो यूएसएसआर। ठीक है, जो जो यूएसएसआर मतलब रसिया से हमने इसको उधार लिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, जो हमारे पास विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस
इसकी और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया। ठीक है जी, तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन है वो है धर्मपाल। जो धर्मपाल जी थे, ये जो धर्मपाल जो राजा थे उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। और जो हमारे पास विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था, इसकी जो हमारे पास जो स्थापना है वो किसके द्वारा कब की गई थी, तो धर्मपाल जी की जो इसकी स्थापना की गई थी 8वीं शताब्दी। और ये जो हमारे पास विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय हुआ करता था, तो ये कहाँ हुआ करता था, तो ये जो हुआ करता था जी, बिहार का एक जगह है जहाँ उसका नाम क्या है, भागलपुर। ठीक है, बिहार में एक जगह है भागलपुर, वहाँ पे विक्रम जो हमारे पास बिहार बिहार में है, और बिहार में ये विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है ये हुआ करती थी। ठीक है, बिहार में। और 12वीं शताब्दी में क्या किया कि एक बंदा था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। ठीक है जी, खिलजी, इसने क्या करा, इस पे आक्रमण करा और इसको नष्ट कर दिया, और यहाँ से जितनी भी किताबें थी उनको जला दिया। ठीक है जी, जो नालंदा हमारे पास जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, जो विश्वविद्यालय था, उसकी जो स्थापना की गई थी, किसकी, नालंदा की जो स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी कुमारगुप्त, जो कुमारगुप्त सम्राट थे उनके द्वारा की गई थी, कुमारगुप्त के द्वारा। ठीक है, और कब की गई थी, 5वीं शताब्दी में की गई थी। और जो नालंदा था ये बौद्ध धर्म, जो महायान, ठीक है जी, जो महायान बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के शिक्षण के लिए प्रमुख केंद्र था, जो शिक्षण किया जाता था बौद्ध धर्म का, महायान का, तो उसके लिए जो नालंदा थी, वो नालंदा का जो नालंदा को बनाया गया था या किसने उसको उसकी नींव रखी थी, तो वो कौन थे, कुमारगुप्त थे, जिन्होंने 5वीं शताब्दी में उसको बनवाया था। और वहाँ पे जो महायान बौद्ध धर्म का प्रशिक्षण दिया जाता था, और इसको किसने नष्ट कर दिया था, जो खिलजी, जो मैंने आपको बताया बख्तियार खिलजी, इसने आक्रमण करा और इसको सब कुछ नष्ट कर दिया, और वहां पे जो इम्पोर्टेंट किताबें थी उनको भी इसने जला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कहा गया है कि निम्नलिखित क्रिकेटों में से कौन बाएं हाथ का तेज गेंदबाज है, तो वो कौन सा है जी, आशीष नेहरा। ठीक है, ये लेफ्ट आर्म जो पेसर बॉलर है, भुवनेश्वर का कुमार जो वो राइट है, उमेश यादव भी राइट है, और जो ईशान वर्मा, तो ईशान शर्मा होगा यहाँ पे। ठीक है, ईशान शर्मा जो है वो भी कौन से हैं जी, राइट हैंड तेज गेंदबाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2019 में यूनेस्को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क 2019 में उसको लिया गया था, तो वो कौन सा था, बॉम्बे एंड हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष ककोरी षड्यंत्र कांड हुआ था, तो ये कब हुआ था, 1925 में हुआ था। अब यूपी गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज कर दिया है, ककोरी जो हमारे पास जो षड्यंत्र हुआ था, जो हमारे पास जो ये कॉन्स्पिरेंसी थी इसको षड्यंत्र बोला गया है, तो इन्होंने इसका नाम करके क्या कर दिया है, ककोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है जी, ककोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है, इसका नाम बदल दिया गया है। और इसके जो हमारे पास जो नेता थे, ठीक है, जिन्होंने इसको लीड किया था, उनका क्या नाम था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनमें दो बंदों को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो इसके जो जो दो लीडर थे ट्रेन लूटने के उसमें षड्यंत्र के लिए, उनको फांसी दे दी गई थी, तो वो दोनों बंदे कौन थे, मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2021 में दूर संचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, तो वो कौन थे, तो वो थे संदीप अग्रवाल। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहा गया है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत का पहला रॉकेट परीक्षण किया गया था, तो भारत का पहला जो रॉकेट लॉन्च किया गया था वो कब किया गया था, 1963 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहा गया है निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2021 में जीवन बीमा निगम के प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, तो सिद्धार्थ मोन्टी, जो सिद्धार्थ मोंटी थे उनको क्या बनाया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है, किसका, एलआईसी का। नेक्स्ट है हमारे पास
कौन सी घटना एक माध्यम के अणुओं द्वारा प्रकाश के परिकण और के संबंधित है, जो भी कंपन ऊर्जा तरों तक उर्जित होती है, तो वो किसके द्वारा बताया जाता है, किसने वो बताया था, वाइब्रेशन एनर्जी लेवल के बारे में बताया था, तो वो कौन थे, रमन इफेक्ट। ठीक है जी, रमन इफेक्ट क्या था कि लाइट क्रॉस होती थी और वो लाइट क्रॉस होने की वजह से एक इफेक्ट आता था, जिसको क्या बोला जाता है, रमन इफेक्ट बोला जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है दैट इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित क्रिकेटों में से कौन सा जनवरी 2021 तक जिंदल सॉफ्ट बेस्ट स्टील ब्रांड एम्बेसडर था, तो वो कौन था, ऋषभ पंत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है दैट इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2021 में जनवरी 2021 में भारत के सभी राज्यों के कितने जिलों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण शुरू किया जा चुका था, तो वो कितने थे, तो वो है हमारे पास 600। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा जो हमारे पास एक टारगेट ओलंपिक फोर्डम स्कीम चलाई गई है, तो उस किस वर्ष तैयार की गई थी, तो उसे कब स्टार्ट किया गया, मतलब कब उसको मिनिस्ट्री, जो हमारे पास यूथ एंड अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा उसको कब स्टार्ट बनाया गया था, तो वो कब बनाया गया था, 2014 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 14 जो है इसका, सॉरी, जो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे और वीडियो को ढेर सारा प्यार देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपके आने वाले एग्जामों में आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, वर्नेलोजी। ठीक है, वर्नेलोजी के नाम से उसके जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास फर्स्ट है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संविधान के संशोधन किया जा सकता है, तो वो कौन सा आर्टिकल है जी, आर्टिकल नंबर जो 368 है, उसके तहत भारत के जो संविधान है उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो पेपर में मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन आया है कि कौन सा आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जिससे अमेंडमेंट की जा सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 368 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो उसका नाम क्या है, काइबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, तो ये है जी हमारे पास लोहतक जो लेक है, जो लोहतक झील है हमारी, उस पे है, और ये भारत और दुनिया का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क है और लोहतक झील में है, और लोहतक झील कहाँ पे है, तो कहाँ पे है जी, मणिपुर। कहाँ पे है, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारे पास भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा लेख बताता है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई कर लगाया या एकत्रित नहीं किया जा सकता, तो वो कौन सा है जी, हमारे पास आर्टिकल जो हमारे पास 265 है। ठीक है, ये जो है इसको रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, जो हमारे पास रेवेन्यू सिस्टम है, जो हमारे पास इकोनॉमी है, उसका जो रीढ़ की हड्डी किस अनुच्छेद को बोला जाता है, तो वो 265 है। ये जो हमारे पास जो 223 है, इसमें क्या है कि अगर पार्लियामेंट भंग हो जाए या डिसॉल्व हो जाए, तो जो हमारे पास प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकता है, वो रूल पास कर सकता है, मतलब कोई भी डिसीजन लेना होगा तो वो कौन लेगा, जो प्रेसिडेंट होगा वो लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहा गया है कि सीढ़ीदार खेत निम्नलिखित में से किस प्रकार की भूमि पर पाए जाते हैं, तो जो हमारे हिली एरियाज होते हैं, जो पहाड़ियां होती हैं, तो वहां पे अगर आप कहीं घूमने गए हो, शिमला या हिमाचल प्रदेश में जो हिली एरिया जैसे शिमला हो गया, मनाली हो गया, लेह हो गया, तो वहां पे जो आपने खेत देखे होंगे वो सीढ़ी नुमा होते हैं। ठीक है जी, तो वो सीढ़ी नुमा जो खेत है वो कहाँ पे बनाए जाते हैं, तो पहाड़ियों पे बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, तो वो कब मनाया जाएगा, तो वो कब मनाया जाएगा, 23 जनवरी को। कब मनाया जाएगा, 23 जनवरी को। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ
कि आपको ये वीडियो काफ़ी फायदा पहुंचाएगी और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़कर तैयारी करते रहेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आपका धन्यवाद।